नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके पहले तीन ऐसे हीरे राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरण बिगाड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीन हीरे कौन हैं, तो आप पूरी देखिए हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी, जिसमें हम तीन हीरो के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सिबरीमालवा विधानसभा में कौन ज्यादा सक्रिय है और कैसे राजनीतिक समीकरण बिगड़ेंगे। प्रजातंत्र के महाकुंभ रूपी चुनाव के आते ही कई राजनीतिक नेता एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस राजनीतिक चुनाव के महाकुंभ में गोता लगाने की तैयारी में खड़े दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर अभी तक दो राष्ट्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है, परंतु इस बार दोनों राजनीतिक पार्टियों के गले की फांस बन चुके हैं तीन हीरे। अपने अपने क्षेत्र में दमखम के साथ अपनी चमक बिखेरने को ललायत हैं ये हीरे, जिसमें पहला हीरा है हीरा सिंह मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के पाली तनाखर में हुआ था। हीरा सिंह पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। आदिवासी समुदाय में ये गोंडवाना रत्न के नाम से जाने जाते हैं। इनका उद्देश्य गोंडवाना राज्य की स्थापना करना है, जिसको लेकर सभी गोंड समाज को इनके द्वारा एकत्रित किया गया है एवं बहुत ही बड़ी संख्या में इनके कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सभी आदिवासी क्षेत्रों में घूम घूम कर सभी को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा हीरा है डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिनकी सिर्फ उम्र ही कम है, बाकी हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने दिल्ली एम्स की नौकरी छोड़ अपने ही गृह नगर धार के मनावर में क्लिनिक खोल लिया एवं जय आदिवासी युवा शक्ति जैस नामक पार्टी बनाई, जिसका प्रचार प्रसार पूरे देश में बहुत ही तेजी से हो रहा है। तीसरा हीरा डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, जो सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष माने जाते हैं एवं पूर्व रिटायर्ड IAS भी रह चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी जगह बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सपाक्स से बड़े बड़े IAS IPS एवं सवर्ण समाज के लोग भी जुड़े, जो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। और सुनने में आ रहा है कि सपाक्स मध्य प्रदेश विधानसभा में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ उतारेगी। इन तीन हीरे की चमक से राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही अन्य दल भी इन चमक के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। परिस्थिति यहां तक बन गई है कि जैस संगठन ने निमाड़ मालवा अंचल में पहली बार छात्र संघ चुनाव में भाग लेकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के छात्र संगठन को धूल चटाते हुए अपना परचम फहराकर हीरे की चमक का एहसास करा दिया है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिसमें गोंड समाज के समाज जन इनको महापुरुष की तरह मानते हैं। ये पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और अब प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे हीरे की, यह है हीरालाल त्रिवेदी, अध्यक्ष सपाक्स पार्टी मध्य प्रदेश। हरिजन आदिवासी एक्ट को लेकर हीरालाल त्रिवेदी ने एक चिंगारी जलाई थी, जो पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में ज्वाला बनकर फैल गई है। एक्ट्रोसिटी एक्ट के सहारे यह हीरा भी अपनी चमक बिखेरने के लिए कमर कस कर खड़ा नजर आ रहा है। सपाक्स संगठन के कर्ता धर्ताओं का मानना है कि भले ही हमारे पास संगठन मजबूत नहीं है, परंतु आदिवासी हरिजन एक्ट रूल को लेकर संपूर्ण समाज में जो अंडर करंट चल रहा है, उनको भावनात्मक रूप से जोड़कर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को भयभीत कर रखा है। सपाक्स संगठन से जुड़े लोगों ने दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को कई जगह तगड़ा विरोध करके अपने होने का एहसास भी दिलाया है और आज जमीनी स्तर पर भी ये सब परिलक्षित हो रहा है। हमने तीनों हीरे की बात की, जिसमें हीरा सिंह मरकाम, हीरालाल अलावा और हीरालाल त्रिवेदी, ये तीन हीरे शिवराज सिंह और कमलनाथ के गले की फांस बने हुए हैं। इन हीरो ने दोनों ही पार्टियों के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। अब हम स्थानीय विधानसभा सिबरीमालवा की बात करते हैं, जहां पर अभी तक दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल रही हैं। परंतु इस चुनाव में इन पार्टियों को नए उभरते हुए हीरे से सतर्क रहना होगा, क्योंकि विधानसभा सिबरीमालवा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के प्रमुख सिपहसालार कुंवर बलवीर सिंह तोमर विगत एक वर्षों से सक्रिय है, जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जमीन तैयार कर दी है। वहीं दूसरे हीरे डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी की सपाक्स भी एट्रोसिटी एक्ट के विरोध के सहारे इन पार्टियों को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। अब हम तीसरे हीरे डॉक्टर हीरालाल अलावा की बात करते हैं। वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुंवर बलबीर सिंह तोमर से मित्रवत व्यवहार रखते हुए अंदरूनी तौर पर गोंडवाना को सपोर्ट कर यहाँ के समीकरण को ध्वस्त कर सकते हैं। अब इनके अलावा हम सामान्य राजनीति की ओर कदम रखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर नई पार्टियों की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी से पहली बार सिबरीमालवा विधानसभा में यहाँ की आवाम को पहली बार एक योग्य शिक्षित महिला प्रत्याशी राजश्री दिया, जिन्होंने ग्रामीण अंचलों में अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। अभी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी आना बाकी है।
तथा समाजवादी जन परिषद से फागराम प्रत्याशी के रूप में नजर आ सकते हैं। और तो और सिमरीमालवा विधानसभा में एक नई पार्टी का भी उदय हो चुका है, जिसका नाम है नया भारत पार्टी, जिसका प्रत्याशी नरेंद्र सिंह रघुवंशी भी अपने अकेले के दम पर इस चुनाव रूपी चट्टान में हथौड़ी मारकर दरार पैदा कर अपने लिए स्थान बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस इलाके के राजनेता या जनप्रतिनिधि भले ही यहाँ की आवाम को निराश करते रहे हों, पर अब विधानसभा चुनाव आ चुका है एवं सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने तरीकों से जुट गए हैं। अब देखना यह है कि किसके सर सजेगा जीत का ताज और किसको हार का मुंह देखना होगा।